मिलने को नहीं आएंगे तो कुछ तो आश्वासन देंगे, लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है आंसुओं के सिवा और भूख के सिवा। थोड़ी तो शर्मा ना चाहिए, जहाँ आप नारी शक्ति की बात करते हो, महिला सशक्तिकरण का नारा देते हो, इतनी शर्म की बात है। माने ऐसे होते हैं क्या पुलिस वाले, इनका कुछ कानून वानून है कि नहीं, और अपने कानून सिखाते हैं? ले जाते हो चाबी दास को, जैसे जाते नहीं है। भोपाल में धरने पर इसलिए क्योंकि हम लोगों को एक निश्चित कोई मानदेय नहीं दिया जाता है, हम लोगों को टुकड़ों में पेमेंट दिया जाता है, सिर्फ 2,000 रुपए महीने का दिया जाता है जो कि हमें मंजूर नहीं है। 2,000 रुपए में आज की इस महंगाई में, यहाँ तेल 200 रुपए किलो है, सब्जी कोई भी सब्जी है वहाँ 50 या 100 रुपए किलो से कम नहीं है, दूध 50 रुपए किलो है, ऐसे माहौल में हम 2,000 रुपए में अपना गुजारा कैसे कर सकते हैं? हमें सरकार से एक निश्चित मानदेय जो एक मजदूर का होता है कम से कम 18,000 रुपए महीने का मिलना चाहिए और हम लोगों को साथ साथ परमानेंट कर्मचारी घोषित किया जाए। शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा कहते हैं और भांजिया बताते हैं, तो अभी आप लोग उनके खिलाफ जो नारे लगा रहे थे, तो क्या मामा काम नहीं कर रहा आप लोगों के लिए? कुछ काम नहीं कर रहा है मामा, जितनी बड़ी बड़ी महिलाओं की तारीफ करते हैं, महिलाओं के लिए मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन हम फिलहाल ऐसी नाली में सोए हैं, इतनी गंदगी में सोए हैं और लाइट बारिश में छत भी नहीं है, पूरी रात हमारी 50 बहने बिना लाइट से सोए और 50 बहने बुखार में पड़ी है अभी भी। आप यहाँ 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप यहाँ बैठी क्यों ऐसे, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ तबीयत ठीक है। खाना वाना मिला आप लोगों को? नहीं मिला, बंद कर दिया तो सुबह से निकलने नहीं दे रहे थे बाहर, ऐसे कूद कूद के बाहर निकल रहे, ताला लगा दिया, नहीं खाने का नहीं पीने का कुछ भी नहीं दे रहे, बाहर जाते तो बोले कि नहीं जाना बाहर, अंदर ही रहो। कोविड-19 की महामारी में हम लोगों ने फ्रंट लाइन पर खड़े होकर के जमीनी स्तर पर घर घर जाकर के कोरोना मरीजों का सर्वे किया, उनको दवाइयां पहुंचाई और उनका इलाज करवाया, और जो भी संभव हो सका हमसे, हमने उनका जो भी स्वास्थ्य से संबंधित कार्य है वो सभी कार्य हमने कोरोना महामारी में, जब लोग घरों से नहीं निकलते थे, सब लोग एक दूसरे को छूना बहुत ही अपने लिए जान जोखिम की बात को मानते थे, तब जब सड़कें सूनी थी तब सड़कों पर एक आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों को अपनी सेवा दे रही थी। मामा जी हमारे घर हमारे गांव में आते हैं, हम पूरे जिले को इकट्ठा कर देते हैं, हमारी बहनें खाना पीना सब छोड़ के मामा जी आ रहे, मामा जी हम पूरे गांव को लेकर आते हैं, बसे भर भर के लाते हैं, जब जाते हैं जब मामा जी कुछ भी नहीं, आज आप उनके घर आए हम मिलने के लिए, मिलने को तैयार नहीं हमसे, हमें रात में डिलीवरी आती है तो जाना पड़ता है, सर्वे पैसा भी होता है हमको दे देते हम जाते हैं, हम सर्वे करने जाते हैं क्या? अभी कोरोना काल में सब लोग घरों में सोए थे और हम हाथ में बाटल लेके सैनिटाइजर लेके लोगों के घर जा रहे थे, जो भी लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, हमारी कोई सेफ्टी नहीं, सब डॉक्टर आते जाओ आपको वहाँ जाना है तो हम जाते, कोई भी आके कोई सा भी अधिकारी बोलता आशा को बुलाओ खड़ा करो। हम यहाँ परसों से अपने घर से निकले हैं, पूरी रात भूखे मरे, कल भी हमने खाना नहीं खाया, कल शाम को भी कुछ नहीं खाया और आज भी हमने कुछ नहीं खाया, और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं और हमको जेल में डाल दिया और यहाँ भी हमको ताने में बंद करके रखा है, हमको कल से यहाँ से निकालना नहीं गया, हमको बाहर जाने नहीं दिया, एक बिस्कुट नहीं एक चाय नहीं हमको, और यहाँ हमको बंद करके रखा हुआ है, अब हम कहाँ जाएं और हमारे पास कोई पैसा नहीं है। शौचालय कहाँ जा रही है? शौचालय हम जमीन पे, हमारे शौचालय के लिए ताला डाला हुआ है, हमारे यहाँ कोई शौचालय नहीं है। आम के क्यों जा रहे हैं? चक्का जाम कर नहीं जाने नहीं दे रहे मेन गेट से? नहीं, क्या बोल रहे हैं? हम लोग कल से बंद कर रहे हैं, कुछ नहीं है खाने के लिए भी बाहर जाने दे रहे थे। हम चाहते हैं एक महीने की तनख्वाह, आशा के लिए 10,000 चाहिए, सहयोगनी दीदी के लिए 15,000 रुपए चाहिए और लिमिट किया जाए, और हमको हर जो सुविधा कर्मचारी को दी जाती है वो सुविधा चाहिए ताकि हमको कुछ सम्मान मिल सके। धन्यवाद। Thank you.